तो हेलो गाइस, वापस आपके सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल फिट इंजीनियर में। अभी जस्ट स्क्वाट्स कर रहा था, नी स्लीव्स पहना हुआ था, बट अचानक से याद है कि आप लोग पुलअप ट्यूटोरियल का बहुत वीडियो मांग रहे थे। मैं 40-50 केजीस लगा के पुलअप करता हूँ, इंस्टाग्राम में डालता हूँ, जो लोग फॉलो करते हो लोग देखते हो गए, मसल अप्स करता हूँ वेटेड। तो बहुत लोग पूछते कि भाई आप पुलअप कैसे कर लेते हो, हमसे तो बॉडी वेट से पुलअप नहीं होता है। तो ये वीडियो में मैं आपको पुलअप ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आप अपना फर्स्ट पुलअप कैसे अनलॉक कर सकते हो। फर्स्ट पुलअप का खुशी बहुत अलग होता है। नया अगर आप जो जिम कर रहे हो तो एक गोल आपका ये हो गई कि पुलअप करना है, पुलअप में बेटर होना है। इस वीडियो में मैं आपको इजी स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपना पुलअप अनलॉक कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले पहला चीज़ जो आपको प्रैक्टिस करना है वो है आपका डेड हैंग। डेड हैंग मतलब कि आपको बस बार पे लटकना है। आप जितना देर तक बार पे लटक सकते हो उतना आपका पुलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा धीरे धीरे। तो फर्स्ट स्टेप विल बी, ये हमारा पुलअप बार है, तो आप लटके, पैर मेरे हवा में है, बस आपको लटकना है। दिस इज डेड हैंग। तो आप जितना डेड हैंग करोगे उतना आपको यूज टू होगा पुलअप मूवमेंट का, ग्रैब करने का बार को। सेकंड स्टेप होगा हमारा बैंड के साथ प्रैक्टिस करना। तो जो रेजिस्टेंस बैंड होता है, आप बहुत टाइप के बैंड यूज़ कर सकते हो। पहला ये स्ट्रॉन्ग बैंड है। स्ट्रॉन्ग बैंड अगर आपको ईजी लग रहा है तो धीरे धीरे आप फिर आप ईजी बैंड में जाओ। ये 5 kg का बैंड है, ये 15 kg का बैंड है। पहला 15 kg का बैंड कर सकते हो, ये आपको थोड़ा टाइम के बाद ईजी लगने लगा तो 5 kg में आना, 5 kg ईजी लगने लगा तो फिर बॉडी वेट ट्राई करना। इसको लगाना है कैसे दिखा देता हूँ, आगे आ जाओ थोड़ा। आपका नॉर्मल बैंड है, बैंड को बस पार कर दो, ये होल आया, होल में ये पास कर दो एंड जस्ट पुल, तो आपका बैंड फिक्स हो गया। उसके बाद इसे बस पैर रख लीजिए दोनों, एंड आप अपना पुलअप ग्रिप ले लो। पुलअप ग्रिप आपका कितना रहेगा वो आपका शोल्डर विथ रह सकता है या शोल्डर विथ से थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। तो मेरा शोल्डर विथ ये है, इसे मैं हल्का ज़्यादा रखूँगा, जस्ट लाइक दिस। एंड फिर आप नीचे लटके, ये आपका डेड हैंग हो गया। अभी मैं पुलअप पुल करने की ट्राई करूँगा, तो आपको जो बैंड है वो आपको सपोर्ट देगा थोड़ा ऊपर आने में। नीचे अगेन पुल, अप डाउन। तो ये हो गया आपका पहला प्रोग्रेशन। दूसरा प्रोग्रेशन, पहला डेड हैंग हो गया, दूसरा प्रोग्रेशन आपका ये हो गया। तीसरा होगा आपका नेगेटिव पुलअप्स। तो नेगेटिव पुलअप्स क्या है कि आपका आपको नेगेटिव जो मूवमेंट होगा पुलअप का वो आपको प्रैक्टिस करना है। वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप पहले जंप करोगे। तो आप थोड़ा सा हाइट पे रखना अपना बार को। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जंप देन स्लोली कम डाउन। तो आप जंप करोगे तो आप थोड़ा सा एलिवेटेड रहोगे तो ईजी है। तो आप ग्रैब किए देन जंप देन स्लोली कम डाउन, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 सेकेंड नेगेटिव पुलअप करो, इससे आपका पुलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। खींचो डाउन। तो बस ये 3 स्टेप्स है, ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं। पुलअप्स जो हाई बना के रखते हैं कि पुलअप्स बहुत हार्ड है, पुलअप्स बहुत हार्ड है, बहुत ईजी स्टेप है। पुलअप्स में बेटर होना है अगर आपको, अगर आपका 10 पुलअप्स होता है उसको आपको 20 पुलअप्स लेके जाना है, तो यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ईजी है, अगर आपको कोई भी चीज़ में बेटर होना है तो उसको ज़्यादा करना स्टार्ट कर दो, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे अपने वो मूवमेंट ईजी हो जाएगा। वेट ऐड कर सकते हो पुलअप में, वेट ऐड करोगे तो अगर आप 10 kg, 5 kg से वेटेड पुलअप्स कर रहे हो, थोड़ी देर बाद जब आप बॉडी वेट करोगे वो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। ये भी एक तरीका है आपका रेप्स बढ़ाने का। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, शॉर्ट एंड सिंपल है, ईजी स्टेप्स है। और भी कोई चीज़ में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर लेना, बहुत सारे मोटिवेशनल रील्स डाल रहा हूँ आजकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।